नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे बैसाखी पर्व के बारे में, इसे क्यों, कहां और कैसे मनाते हैं। बैसाखी सिख धर्म का प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। यह पर्व हर साल विक्रम संवत के प्रथम माह में पड़ता है। हिंदू धर्म में जिस तरह होली और दिवाली का पर्व मनाया जाता है, उसी तरह सिख लोगों के लिए बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। देश के अलग अलग जगहों पर इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे असम में रोगाली बिहू, पश्चिम बंगाल में नवा वर्षा, बिहार में वैसाख, केरल में विशु और तमिलनाडु में पुथांडू के रूप में मनाया जाता है। बैसाखी को सिख समुदाय के लोग नए वर्ष के शुरुआती के रूप में मनाते हैं। ये पावन त्यौहार भारतीय किसानों का माना जाता है। इस दिन लोग अनाज की पूजा करते हैं और फसल के काट कर घर आ जाने की खुशी में भगवान और प्रकृति को धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस खुशी के मौके पर लोग भांगड़ा नृत्य भी करते हैं। बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मेष संक्रांति भी कहा जाता है। 13 अप्रैल 1699 को सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके साथ ही इस दिन को मनाना शुरू किया गया। और ऐसा माना जाता है कि मुनि भागीरथ ने देवी गंगा को धरती पर उतारने के लिए तपस्या की थी और इसी दिन ही तपस्या पूरी हुई थी। और यह भी कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। इस दिन लोग अपने घरों को साफ सफाई करते हैं, लाइट्स सजाते हैं, अपने घरों के आंगन में रंग बिरंगे रंगोलियां बनाते हैं, पुआ पकवान बनाते हैं तथा इस दिन लोग ढोल बजाते हैं, भांगड़ा नृत्य करते हैं, गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ और कीर्तन करते हैं। तो दोस्तों बताइए, बैसाखी का पर्व आप कैसे मना रहे हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।